हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे जो लास्ट टाइम प्रैक्टिकल स्टार्ट किए थे हमने, उसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे. और इस वीक में सिर्फ प्रैक्टिकल लेने वाली हूँ. फिर जो एक चैप्टर आपका रिमेनिंग है, चैप्टर नंबर 6, वो आफ्टर दिवाली के बाद लेने वाली हूँ. तो मुझे बाकी सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के लिए अपने सब्जेक्ट के लेक्चर्स, मतलब सिर्फ आपके प्रैक्टिकल्स खत्म जैसे हो, आज जितना होगा उतना, और कल, और उसके बाद वो इसके लेक्चर नहीं होगा. फिर डायरेक्टली हम आफ्टर दिवाली के बाद मैं आपका वो इसका 6 चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कमांड इज द DIFF कमांड, डिफरेंस कमांड. अभी ये डिफरेंस कमांड किस तरह से वर्क होता है? दिस कमांड इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू टेक्स्ट फाइल. हमें दो टेक्स्ट फाइल बनाने हैं और उनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है. तो उसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आपको डिफरेंस कमांड किस तरह से रन करके देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो फाइल क्रिएट करने हैं. तो फाइल नंबर 1 क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम? कैट कमांड. तो कैट फाइल नेम कैट ग्रेटर देन साइन फाइल 1.txt एंड कैट ग्रेटर देन साइन फाइल 2.txt. तो ऐसे करके आपने दो फाइल क्रिएट किए. पहले फाइल के कंटेंट्स रहेंगे, आई नीड टू गो टू द शॉप, आई नीड टू बाय सम मैंगोज, व्हेन आई गेट होम आई विल वॉश द कैट. ओके, और सेकेंड फाइल था आई नीड टू गो टू द शॉप, आई नीड टू बाय सम मैंगोज, ओ ये आई आल्सो नीड टू बाय चीज, व्हेन आई गेट होम आई विल वॉश द कैट. तो इसमें एक लाइन सिर्फ अलग है. लाइन नंबर 3 जो है वो कैट सेकेंड वाले फाइल में एक एक्स्ट्रा ऐड किया है. तो जब डिफरेंस कमांड हम रन करेंगे DIFF फाइल 1.txt एंड फाइल 2.txt, तो आउटपुट में आएगा, नीचे लो थोड़ा सा. तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये देखो, ये वाला जो लाइन है वो अलग था. तो पहले DIFF का कमांड रन करेंगे, उसके बाद कॉमन वाला जो फाइल है, DIFF जो फाइल है ना, DIFF जो कमांड है, इट इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू फाइल्स. एंड COMM जो फाइल है वो कंपेयर करता है, कंपेयर द टू सॉर्टेड फाइल्स, और उसके बीच में जो कॉमन रहता है ना वो. तो अभी कंपैरिजन कैसे रहेगा, नीचे लेना थोड़ा. दिस कमांड कंपेयर टू सॉर्टेड फाइल्स. अभी सॉर्टेड फाइल्स मतलब उसको आपको क्या करना है, सॉर्टेड ऑर्डर में उसको डेटा देना है. एंड वो क्या करेगा, इट कंपेयर ईच लाइन ऑफ फर्स्ट फाइल विथ इट्स करस्पॉन्डिंग लाइन इन अ सेकेंड फाइल. तो सेम फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन के साथ कंपेयर करेगा, सेकेंड को सेकेंड के साथ कंपेयर करेगा, एंड जनरेट 3 एक कॉलम आउटपुट, और 3 कॉलम का एक आउटपुट जनरेट करता है. द फर्स्ट कॉलम लिस्ट द लाइन्स ओनली इन फर्स्ट फाइल, सेकेंड कॉलम लिस्ट द लाइन्स इन सेकेंड फाइल, एंड थर्ड कॉलम लिस्ट द लाइन्स इन बोथ फाइल. तो ये पहले उसके लाइन बाय लाइन हमें आउटपुट डिस्प्ले करते जाएगा. तो उसका आउटपुट कैसे रहेगा, देखो, अभी आप एक फाइल क्रिएट किया है स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2, हर्ष सुजय स्मिथ, और यहाँ पे हर्ष निकेत एंड आशुतोष. तो कॉमन कमांड यूज किया है COMM स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 देने के बाद आंसर इस तरह से आता है. पहले वाले में सुजय और स्मिथ, सेकेंड वाले में निकेत और आशुतोष, और लास्ट में हर्ष. तो इसका मतलब क्या रहता है कि COMM कंपेयर कमांड जब हम यूज करते हैं ना, तो जो वाला जो कॉमन डेटा है वो सबसे लास्ट प्रिंट होता है, और जो डेटा कॉमन नहीं है, जो दोनों में सेम नहीं है, वो क्या करता है, पहले फाइल के कंटेंट जो सेम नहीं है उसको प्रिंट करता है, देन सेकेंड फाइल के कंटेंट जो सेम नहीं है वो प्रिंट करता है, और लास्ट में कॉमन जो कंटेंट्स है उसको उसको प्रिंट करता है. पहले हम ये दो कमांड रन करके देखते हैं, DIFF एंड COMM. प्लीज पहले DIFF के लिए हमें 3 कोई भी 3 लाइन्स आप ले सकते हो.
फर्स्ट क्रिएट अ फाइल कैट ग्रेटर देन साइन स्टूडेंट वन डॉट टेक्स्ट, या फिर स्टूडेंट वन भी लिखा तो भी चलेगा, एंटर। यहाँ पे कोई दो तीन लाइंस इंसर्ट करो। ऑपरेटिंग सिस्टम देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और सेकेंड फाइल क्रिएट, और इसको सेव करो। कंट्रोल जेड से फाइल हम सेव करते हैं, ओके। तो कंट्रोल जेड करके फर्स्ट फाइल सेव किया। नाउ गो टू द सेकेंड फाइल CAT ग्रेटर देन साइन स्टूडेंट टू। यहाँ पे भी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और एक अलग लाइन डाल देते हैं हम, डिफरेंस चेक करना है हमें। तो यहाँ पे कौन सा एक सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट डाल दो अभी, एनवायरनमेंट स्टडीज, एंड लास्ट में क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड देन कंट्रोल जेड। एंटर, कंट्रोल जेड। तो यहाँ पे अभी देखो हमने दो फाइल क्रिएट किए हैं। पहले कैट स्टूडेंट वन नाम का एक फाइल क्रिएट किया ग्रेटर देन साइन देके, और कैट स्टूडेंट टू का एक फाइल क्रिएट किया। आपको उसके कंटेंट्स अगर चेक करने हैं, सिर्फ अगर आपको फाइल के कंटेंट चेक करने हैं ना, तो उसके बीच में ग्रेटर देन साइन नहीं देना। जब हम फाइल क्रिएट करते हैं, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फाइल दैट टाइम ग्रेटर देन साइन इज गिवन, एंड व्हेन यू यू जस्ट वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट देन जस्ट यूज CAT एंड स्टूडेंट वन, एंटर। अभी इससे क्या होगा, उसके कंटेंट शो हो रहे हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग सेव नहीं हुआ बिकॉज आपने कंट्रोल जेड उसी लाइन पे दिया था, ठीक है। अभी देखते हैं DIFF कमांड देके, DIFF स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू, एंटर। ये देखो, तो यहाँ पे वो बताता है कि दोनों जो फाइल है उसमें वो उसने है ना क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वाला फाइल को कंसिडर नहीं किया है, बिकॉज उस लाइन पे कंट्रोल जेड दिया था। कंट्रोल जेड हमेशा नेक्स्ट लाइन पे देना चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड उसी लाइन पे दिया था, तो कंट्रोल जेड उसने मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को उसने कंसिडर नहीं किया, या फिर उसमें स्पेस होना चाहिए था, ओके। तो अभी क्या हुआ कि इसके बीच में का जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो प्रिंट कर रहा है कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो आपके सेकेंड वाले फाइल में प्रेजेंट है। तो सेकेंड वाले फाइल में तीन नंबर का जो लाइन है, तीन नंबर का जो रो है, उसमें वो डिफरेंस फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है 2A3। तो यहाँ पे हमें सेकेंड फाइल में तीन नंबर के लाइन में डिफरेंस फाइंड आउट हुआ। अभी हम इसी फाइल के ऊपर COMM करके देखते हैं होता है क्या, देखते हैं, नहीं तो नई फाइल बनाएंगे। COMM स्टूडेंट वन एंटर, देखो एरर क्या आया कि फाइल टू इज नॉट इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में उसके एक एक कॉलम के कंटेंट्स होने चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सॉर्टेड ऑर्डर मीन्स फर्स्ट फाइल इज क्रिएटेड विद असेंडिंग ऑर्डर, सेकेंड फाइल क्रिएटेड विद असेंडिंग ऑर्डर, एंड देन वी कैन यूज द COMM कमांड टू कंपेयर द टू फाइल्स। दो फाइल कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए और सिंगल कॉलम होना चाहिए। तो हम नया फाइल क्रिएट करेंगे CAT ग्रेटर देन साइन S1, और यहाँ पे अभी तीन स्टूडेंट के नाम डाल दो। कंट्रोल जेड नेक्स्ट लाइन है, कंट्रोल जेड, ओके। नाउ क्रिएट द सेकेंड फाइल CAT ग्रेटर देन साइन S2। अभी इसमें क्या करना है आप लोग को, एक नाम कॉमन रखना है, बाकी वाले दो नाम आपको चेंज करने हैं। तो पहले दो नाम जो है वो एक काम करो, विशाल जो नाम है ना वो कॉमन रखने दो,
और पहले दो नाम चेंज करो, ओके? तो फर्स्ट टू नेम चेंज करो, सिर्फ विशाल कॉमन रहने देंगे हम, अलग नाम दो पहले दो। ओके, नेक्स्ट लाइन पे कंट्रोल जेड करना है, ठीक है? नाउ यूज द COMM स्पेस S1 S2, एंटर। अभी देखो यहाँ पे तीन कॉलम में आंसर प्रिंट हो रहा है आपका, तीन कॉलम। हाँ, तीन कॉलम में देखो, फर्स्ट जो कॉलम है कॉलम वाइज चेक करना है आपको। अभी आपको लग रहा है कि आंसर ऊपर नीचे आ रहा है, तो वो तीन कॉलम में आंसर प्रिंट हो रहा है। फर्स्ट जो कॉलम है ना, उसमें फर्स्ट फाइल वन के जो कंटेंट सेम थे, सेम क्या बोल रही हूँ मैं, फाइल वन के जो कंटेंट्स थे जिसमें विशाल नाम था, वो वहां से हटा दिया है उन्होंने, बिकॉज विशाल इज प्रेजेंट इन फर्स्ट फाइल एज वेल एज सेकेंड फाइल। तो विशाल इज द कॉमन डेटा बिटवीन द S1 एंड S2 फाइल, तो विशाल सबसे लास्ट में प्रिंट किया है। फर्स्ट फाइल के जो अलग कंटेंट्स थे वो पहले प्रिंट किए आदित्य एंड कल्पक, सेकेंड फाइल के कंटेंट्स प्रिंट किए अमोल एंड देव, एंड थर्ड फाइल के कंटेंट लास्ट में जो कॉमन था वो प्रिंट हुआ विशाल करके। तो ये वाला जो COMM कमांड कैसे रन होता है, इट शो द कंटेंट ऑफ फर्स्ट फाइल, देन अगेन द सेकेंड फाइल, एंड आफ्टर दैट द कॉमन एंड डेटा बिटवीन द बोथ फाइल। आई थिंक आप लोगों को ये डिफरेंस और COMM का कमांड समझ में आ रहा है क्या? जब DIFF कमांड हम रन करते हैं, जब DIFF कमांड हम रन करते हैं तो उसके लिए सॉर्टेड ऑर्डर का डेटा नहीं लगता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंस कौन से लाइन पे वो लाइन प्रिंट होता है। लेकिन जब हम COMM कमांड रन करते हैं तो उसके लिए सॉर्टेड ऑर्डर का डेटा लगता है, और कॉलम वाइज फिर उसके डिफरेंस जो है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो पहले प्रिंट होते हैं और लास्ट में उसका कॉमन डेटा प्रिंट होता है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं अभी फिर से मैनुअल पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड अभी देखो, कॉमन हो गया, डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट कमांड इज द PR कमांड। PR कमांड कन्वर्ट द टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग के लिए अगर हमें कोई कमांड यूज करना है तो वो PR कमांड यूज करते हैं। PR कमांड चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ फाइल ओनली ऑन द स्क्रीन और इन अ प्रिंटेड कॉपी फॉर्मेट। तो इसके नॉर्मली सिर्फ हमें ऑप्शंस देके हम कोई भी फाइल नेम दे सकते हैं, तो वो प्रिंट वाले फॉर्मेट में अपने फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है DIR कमांड। तो जितने सारे डायरेक्टरीज है अपने फाइल के अंदर, वो डायरेक्टरीज के नाम, सिर्फ ओनली फोल्डर्स। तो ls-l जब हम कमांड करते हैं तो ls-l कमांड से ऑल द फाइल्स और फोल्डर्स, मतलब डायरेक्टरीज और फोल्डर्स दोनों डिस्प्ले होते हैं। लेकिन सिर्फ DIR कमांड यूज किया तो उसमें सिर्फ डायरेक्टरीज ओपन होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज इक्वल टू chmod कमांड। इट इज यूज टू चेंज और सेट द थ्री परमिशंस, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम परमिशन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जब हम chmod कमांड यूज करते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने आपको chmod का 777 और फाइल नेम बताया था। तो chmod कमांड इज यूज टू डिवाइड द टोटल परमिशन इनटू थ्री ग्रुप्स। तो यहाँ पे तीन ग्रुप्स में आपके परमिशन डिवाइड होते हैं। फर्स्ट ग्रुप रहता है यूजर, सेकेंड ग्रुप रहता है ग्रुप, और थर्ड जो ग्रुप होता है वो ऑल मीन्स अदर अदर्स। तो हमें फर्स्ट ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन देना है, सेकेंड फर्स्ट यूजर को देना है, यूजर मतलब ओनर रहता है वो, और सेकेंड मतलब ग्रुप को रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन देना है, और थर्ड ऑल अदर यूजर्स को हमें रीड राइट एग्जीक्यूट के परमिशन देने हैं। तो परमिशन कैसे देते हैं, chmod कमांड देके। नेक्स्ट अभी देखो इस तरह से रहता है, जब हम डायरेक्टरीज के जो परमिशंस है ना वो इस तरह से रहते हैं। डी लिखा रहता है फर्स्ट लेटर, फिर RWX रीड राइट एंड एग्जीक्यूट फॉर द फर्स्ट ओनर। ओनर जो रहता है फर्स्ट वाले जो RWX है वो ओनर के परमिशन से, जिसको रीडिंग राइटिंग और एग्जीक्यूशन का परमिशन है। सेकेंड जो RWX है वो ग्रुप को, मतलब ओनर छोड़ के जो अदर ग्रुप जो बनाया है उसको परमिशन से, और लास्ट वाला RWX जो है अदर लॉगिन, जो गेस्ट लॉगिन रहता है उनके लिए, अदर यूजर्स के लिए RWX, लास्ट वाला ग्रुप जो है वो रीडिंग राइटिंग एग्जीक्यूशन का परमिशन है।
आप डायरेक्टली RWX लिख सकते हो, या फिर आप उसकी जगह पे नंबर्स डाल सकते हो, रीडिंग के लिए 4, राइटिंग के लिए 2 और एग्जीक्यूशन के लिए 1। अगर मुझे सिर्फ रीड का परमिशन देना है तो वहाँ पे 4 लिखना, मुझे रीड और राइट दोनों परमिशन देने हैं तो 4+2 6 लिखना है, मुझे राइट और एग्जीक्यूशन का परमिशन देना है तो यहाँ पे 2+1 3 लिखना पड़ेगा, और मुझे एक भी परमिशन नहीं देना है तो 0 लिखना पड़ेगा आपको। ओके नेक्स्ट। ये देखो आप इस तरह से डायरेक्टली परमिशंस भी दे सकते हो। अगर आपको ऑल यूजर्स को, ये देखो ऑल यूजर्स के लिए ए है, अदर यूजर्स के लिए ओ है, ग्रुप के लिए जी है और ओनर के लिए यू है, तो यू अगर आपने किया यू प्लस आपको कुछ ओनर को परमिशंस देने हैं, असाइन करने हैं, तो प्लस साइन यूज करना, और माइनस साइन अगर करेंगे तो उससे हमें वो परमिशन हटाना है, रिमूव करना है। तो अगर हमें किसी को परमिशन देने हैं, सपोज मुझे ग्रुप को परमिशन देने हैं, ऐड करने हैं, तो जी लिखना, उसके बाद प्लस लिखना और कौन सा परमिशन देना है वो लिखना, G+X, तो मतलब रहता है ग्रुप को असाइन किया एग्जीक्यूशन का परमिशन। अगर आपको नंबर्स अगर याद रहते तो 4, 2, 1 में से एग्जीक्यूशन का नंबर है 1, तो डायरेक्टली आप 1 लिख के भी परमिशन दे सकते हो। नेक्स्ट। ये है देखो, मैंने आपको बताया कि आप 0 से लेके 7 के बीच में नंबर दे सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट। ये है, अगर हमने 0 दिया तो नो परमिशन, कोई भी परमिशन नहीं मिलता। 1 अगर दिया तो 4, 2, 1 में से 4 फॉर रीड, 2 फॉर राइट एंड 1 फॉर एग्जीक्यूट। 1 अगर दिया तो एग्जीक्यूशन का परमिशन, 2 दिया तो राइट का परमिशन, 4 अगर दिया तो रीड का परमिशन। अभी 2 कॉमन आपको देने हैं, रीड प्लस एग्जीक्यूट देना है, तो रीड का 4+ एग्जीक्यूशन का 1 मतलब आपको 5 लिखना पड़ेगा। रीड और राइट देना है तो 4+2 मतलब हमें 6 देना पड़ेगा, और रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन देने हैं तो हमें 7 लिखना पड़ेगा। ओके और नेक्स्ट कमांड है CMP। CMP कमांड इज यूज टू कंपेयर द फाइल्स व्हेन यूज विदाउट ऑप्शंस। इसको भी हम कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी हमने 2 फाइल्स बना के रखे, उसके आंसर हम चेक करके देखेंगे CMP कमांड से। COMM जो है ना वो कॉमन डेटा प्रिंट करता है, और CMP क्या करता है उसको आउटपुट चेक करेंगे अभी। नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल खत्म होता है ना, तो अभी हम परफॉर्म करके फर्स्ट CH मोड करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले CH DR कमांड से हमें सारे ये देखने हैं डायरेक्टरीज, DR एंटर। तो जितने भी डायरेक्टरीज थे, ओनली फोल्डर्स, उनके नाम वो डिस्प्ले कर रहा है। अभी उसकी जगह पे हम ls-l करते हैं, ls-l करेंगे तो सारे फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ओके तो यहाँ पे ये सारे फाइल्स फोल्डर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जो ब्लू कलर के वो डायरेक्टरीज, जो व्हाइट कलर के वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल है। जब DR दिया था तो सिर्फ वो क्या कर रहा था, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये वाले जो थे वो डायरेक्टरी थे, तो डायरेक्टरी के नाम उसने प्रिंट किया। नाउ हम CHMOD कमांड यूज करेंगे। CHMOD के पहले हम CMP कमांड करके देखते हैं। CMP S1 एंड S2। ओके एंटर। S1 एंड S2 इज डिफरेंट बाय 2 एंड लाइन 1। तो एक लाइन से अभी ये क्या क्या करता है कि S1 और S2 सेम है या नहीं है वो बताता है, लेकिन यहाँ पे S1 और S2 सेम नहीं है, तो S1 S2 डिफर, डिफर मतलब चेंज है, कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये सेम नहीं है, मतलब बोथ फाइल अगर सेम रहते तो यहाँ पे डिफर नहीं आता। और कितने लाइन से डिफरेंस है उसमें, बाय 2 और लाइन नंबर, एक लाइन का डिफरेंस है वहां पे, तो वो डिफरेंस बता रहा है। अभी हम CHMOD कमांड करेंगे।
chmod। अभी एक देखो, मैं आपको S1 फाइल के कमांड के ऊपर करके दिखाती हूँ। अभी S1 नंबर का जो फाइल है वो डायरेक्टरी नहीं है, पहले वाले ओनर को हमने हमारे ls -l में देखो, S1 को R&W रीड और राइट का परमिशन है, उसके बाद डैश है। ग्रुप को R और W का परमिशन है, उसके बाद डैश है, और थर्ड को R का परमिशन है। तो हमें क्या करना है कि पहला वाला जो रहता है वो U होता है, सेकंड वाला G होता है, और लास्ट वाला A होता है। तो मुझे क्या करना है कि ऑल को हमें एग्जीक्यूशन का परमिशन देना है। तो यहाँ पे लिखो chmod ए स्मॉल ए प्लस एक्स स्पेस S1, एंटर। ठीक है, अभी ls -l करो। तो ls -l ग्रीन कलर से डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑल मतलब सभी को, ओनर को, ग्रुप को और अदर यूजर सभी को हमने एक्स का परमिशन असाइन किया है। एक्स मतलब एग्जीक्यूट। तो जब हमें ऐड करना होता है तो प्लस लिखना है। तो अगर हमें रिमूव करना है ना वो परमिशन, तो उसके उल्टा करना है, chmod a -x और S1, एंटर। अभी ls -l करो। तो अभी देखो वो वाले परमिशंस जो एक्स ऐड हुआ था वो वाला एक्स यहाँ से हट गया, मतलब हम chmod कमांड से दे भी सकते हैं। अभी chmod कमांड ये हो गया हम टेक्स्ट फॉर्मेट में, आप उसके नंबर भी दे सकते हो chmod। अभी chmod से मुझे क्या करना है कि 4+2 मतलब रीड और राइट का परमिशन देना है। तो ऑलरेडी जो s2 वाले फाइल के ऊपर करेंगे अभी हम। S2 वाले फाइल को फर्स्ट वाले ग्रुप को रीड राइट का परमिशन है, सेकंड वाले ग्रुप को रीड राइट का परमिशन है, थर्ड वाले को सिर्फ रीड का है, हमें वहाँ पे राइट का परमिशन देना है। तो अगर आपको राइट का परमिशन देना है ना, तो उसके लिए रीड प्लस राइट का मतलब क्या रहता है, 4+2 6। तो यहाँ पे लिखो सिक्स 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 एंड टू टू स्पेस S2 ls -a। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे सिक्स सिक्स टू किया था, तो सिक्स का मतलब क्या रहता है, रीड एंड राइट। तो S2 वाले फाइल को आप देखोगे तो रीड राइट का परमिशन है फर्स्ट ग्रुप के लिए, नेक्स्ट वाला जो सिक्स है वो सेकंड ग्रुप का है, रीड राइट का परमिशन है, और सेकंड लास्ट वाला जो टू है वो लास्ट वाले ग्रुप में सिर्फ मैंने टू लिखा है, मतलब सिर्फ राइट का परमिशन दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ W आया है। यहाँ पे भी मैं सिक्स अगर लिखती तो रीड और राइट के परमिशन आते। तो chmod लिखो chmod सिक्स 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 S2। ठीक है, तो यहाँ पे रीड राइट, रीड राइट एंड रीड राइट। तो ये तीनों परमिशंस असाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल खत्म। नेक्स्ट वाला प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूट टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड। अभी टेक्स्ट प्रोसेसिंग कमांड जो है वो TR कमांड जो है, TR कमांड, TR इज अ कमांड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज एन एब्रीवेशन ऑफ ट्रांसलेट कमांड। इट इंडिकेटिंग द ऑपरेशन ऑफ रिप्लेसिंग और रिमूविंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो TR के बाद हमें ऑप्शंस और सेट 1 सेट 2 देना है।
सेट वन और सेट टू माइनस डी, अगर ऑप्शन इसका एक एग्जांपल दिया है नीचे, नेक्स्ट। तो टी आर के बाद अगर हमने लोअर केस टू अपर केस कर सकते हैं, तो यहाँ पे टी आर के बाद अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, कैपिटल ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। यू कैन ऑल्सो यूज रेंजेस इन टी आर। तो अभी अपर केस टू लोअर केस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो डब्ल्यू सी कमांड इन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टी आर कमांड क्या करता है, सिर्फ ट्रांसलेट, मतलब अपर केस लोअर केस टू अपर केस उसको कन्वर्ट करता है। और डब्ल्यू सी कमांड इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल। तो हमने ऑलरेडी दो तीन फाइल बनाए हैं, उसके बाद सिर्फ हमें क्या देना है, डब्ल्यू सी कमांड देना है, डब्ल्यू सी एंड फाइल नेम। तो वो बताता है सबसे पहले कितने लाइन्स है उस फाइल में। देखो फर्स्ट वाला जो है ना वो नंबर ऑफ लाइन्स बताता है, सेकेंड वाला नंबर ऑफ वर्ड्स बताता है, और नेक्स्ट लास्ट में उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है। तो अगर हमें तीनों नहीं प्रिंट करने, सिर्फ हमें इतना देखना है कि उसमें कितने कैरेक्टर है, तो आप डब्ल्यू सी माइनस सी अगर देते हो, तो माइनस सी अगर दिया तो सिर्फ वो कैरेक्टर कितने हैं वो काउंट करके आपके सामने डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट, ये देखो डब्ल्यू सी माइनस एल दिया तो नंबर ऑफ लाइन्स प्रिंट करता है, माइनस डब्ल्यू अगर दिया तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके देता है, माइनस सी अगर दिया तो काउंट कैरेक्टर करके देता है, माइनस एम अगर दिया तो प्रिंट द काउंट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। तो वो प्रिंट्स द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स, तो जितने जितने कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करता है, और माइनस कैपिटल एल अगर दिया तो प्रिंट ओनली द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट लाइन, तो जब से जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है उसका लेंथ प्रिंट करता है। यहाँ पे माइनस सी का मीनिंग जो दिया है ना, डिस्प्ले द काउंट ऑफ बाइट्स इन फाइल, तो डब्ल्यू सी माइनस सी दिया तो कितने बाइट्स है टोटल, कितनी बाइट्स का मेमोरी लगा वो डिस्प्ले करता है। कट कमांड, कट कमांड किसके लिए यूज होता है, कट कमांड इट इज यूज टू कॉपी द स्पेसिफाइड कॉलम टू द स्टैंडर्ड आउटपुट फाइल। तो यहाँ पे देखो कट कमांड से पहले दो फाइल हमें क्रिएट किए हैं, एक फाइल क्रिएट किया है स्टूडेंट वन का, जहाँ पे तीन कॉलम है, अजय विजय सुजीत 1990 92 91 50 60 70। तो यहाँ पे सी यू टी कमांड यूज किया है, सी यू टी माइनस एफ अगर दिया तो डिस्प्ले द स्पेसिफाइड फील्ड एंड आल्सो अभी ये स्पेसिफाइड फील्ड को डिस्प्ले करता है, और कॉमा टू अगर दिया तो पहले टू कॉलम वो प्रिंट करता है। अभी मैंने स्पेसिफाइड फील्ड कौन से स्पेसिफाई किया है, वन और टू स्पेसिफाई किया है, सी यू टी कट माइनस एफ वन कॉमा टू, तो वन कॉमा टू मतलब पहले दो कॉलम कट होके उतने आउटपुट हमारे प्रिंट होंगे, और थर्ड वाला कॉलम यहाँ से कट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट, पेस्ट कमांड है। तो पेस्ट कमांड इज वन ऑफ द यूजफुल कमांड इन यूनिक्स एंड लिनक्स, इट इज यूज्ड टू जॉइन फाइल्स हॉरिजॉन्टली। अभी ये क्या करता है कि दो अलग अलग फाइल्स को हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे, पेस्ट मतलब हमारा डेटा वहाँ पे ऐड होता है। कैट एस टी डी नेम करके एक पहला फाइल बनाया, और कैट बर्थ ईयर करके सेकेंड फाइल बनाया, और उन दोनों को मिला के आंसर क्या आता है फिर, नेक्स्ट। तो जब हम पेस्ट कमांड यूज करेंगे तो तीन स्टूडेंट के नाम है और तीन बर्थ ईयर के नाम है, तो उनके नाम के साथ वो डेटा पेस्ट हो जाता है। स्पेल इज अ स्पेल चेकिंग प्रोग्राम विच स्कैन अ टेक्स्ट फाइल, ओके, एंड मिसस्पेल्ड वर्ड जो है उसको प्रिंट करता है। तो स्पेल चेक करने के लिए आप ये वाला कमांड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, एक सॉर्ट कमांड है। सॉर्ट कमांड क्या होता है, जो जो भी कंटेंट्स हमने डाले हैं उसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करते हैं। तो सॉर्ट कमांड के बाद हम फाइल नेम देंगे तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट होता है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है।
रिवर्स ऑर्डर मतलब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर प्रिंट करना है तो माइनस आर यूज करना पड़ता है हमें. नंबर्स को अगर सॉर्ट करना है तो माइनस एन यूज करते हैं. और लास्ट वाला कमांड रहा जी आर ई पी. तो जी आर ई पी कमांड इज यूज टू सर्च ए पर्टिकुलर पैटर्न और स्ट्रिंग इन अ फाइल. मुझे सर्च करना है कि एक फाइल बनाया है ओ एस नाम का, उसके अंदर मुझे सर्च करना है कि यूनिक्स वर्ड कितनी बार आया है. तो आप जी आर ई पी माइनस एन और यूनिक्स कमांड करके यूनिक्स का फाइल नेम देके आप सर्च कर सकते हो. अभी हम रन करके देखेंगे ये सारे. तो यहाँ पे अभी सबसे पहले आप क्या करोगे, कौन सा कमांड करेंगे, कट और पेस्ट क्या करके देखते हैं. दो अलग अलग फाइल के डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, कट मतलब सी यू टी कट कट माइन. कोई है क्या फाइल जिसमें तीन कॉलम्स है, ऐसे तीन अलग अलग कॉलम है. तो पहले हमें एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा सी ए टी नहीं सी ए टी ग्रेटर एस वन जो फाइल है ना, और एक एस थ्री नाम का फाइल बनाते हैं और उसके अंदर तीन कॉलम हम ऐड करेंगे. तीन कॉलम मतलब पहले कॉलम में नेम और दूसरे कॉलम में उनका ईयर बर्थ ईयर कोई भी डाल दो और लास्ट में उनके मार्क्स वगैरह कोई भी डाल दो रैंडमली. कंट्रोल जेड सी यू टी स्पेस माइनस एफ 1 2 1 2 स्पेस एस थ्री एंटर. तो यहाँ पे देखो तीन कॉलम थे हमने जब फाइल बनाया था, तो तीनों कॉलम के बाद हमने क्या किया, ये वाला जो डेटा था ना क्या बोलते हैं फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का डेटा एज इट इज रहने दिया और थर्ड कॉलम के डेटा को हमने कट कर दिया. और पेस्ट कमांड क्या रहता है, फिर पेस्ट कमांड हमारे दोनों फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है. अभी यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं टी ए एस टी स्पेस एस थ्री स्पेस एस वन एंटर. तो यहाँ पे S3 के कंटेंट S1 के साथ हमने पेस्ट कर दिए. तो S1 में ऑलरेडी जो कंटेंट्स थे वो भी प्रिंट हो रहे और उसके पहले हमारे S3 के कंटेंट प्रिंट हो रहे. तो ये वाला कमांड था आपका पेस्ट कमांड. उसके बाद हम करेंगे जी आर ई पी कमांड. जी आर ई पी कमांड क्या होता है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग या वर्ड हमें अगर सर्च करना है तो उसके लिए. तो जी आर ई पी स्पेस माइनस एन माइनस एन स्पेस माइनस एन इसके लिए कि नंबर कौन सी लाइन के ऊपर वो वर्ड फाइंड हुआ वो चेक करना है और हमें कौन सा वर्ड सर्च करना है वो दे दो. सपोज आदित्य नाम दे दो और स्पेस एस वन कौन से फाइल में सर्च करना है उसका नाम दे दो. जी आर ई पी कमांड इज यूज टू सर्चिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न और स्ट्रिंग इन अ फाइल. तो हमें कौन सा पैटर्न सर्च करना है आदित्य और माइनस एन मतलब कौन से लाइन में आया है वो एंटर. तो फर्स्ट लाइन में ही वो वर्ड फाइंड आउट हुआ है. ओके तो ये रहा जी आर ई पी कमांड. अभी हम सॉर्ट कमांड यूज करेंगे. सॉर्ट एस ओ आर टी सॉर्ट एस वन एंटर.
ऑलरेडी जो नाम दिए थे वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही दिए थे, इसलिए वो एज इट इज प्रिंट हो रहे। हम उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देखते हैं। एस ओ आर टी माइनस आर एस वन, तो यहाँ पे वो रिवर्स ऑर्डर में वो कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, और कौन सा कमांड रह गया? जीआरपी बताया, सॉर्ट बताया, देन कट, स्पेल तो रहने दो, स्पेल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेलिंग की प्रॉब्लम। देन पेस्ट कमांड हो गया, कट कमांड हो गया, डब्ल्यू सी कमांड हमारा बाकी है, डब्ल्यू सी एंड टी आर कमांड। ओके, डब्ल्यू सी एंड टी आर कमांड देखते हैं अभी। टी आर कमांड, टी आर उसके बाद स्पेस देके लोअर केस में लिखो ऑपरेटिंग सिस्टम, इट ट्रांसलेट द लोअर केस इनटू अपर केस, एंटर। कंट्रोल जेड, तो यहाँ पे आंसर आई थिंक, उसका सिंटैक्स चेक करो एक बार टी आर का। टी आर कमांड जब देना है तो टी आर के बाद ऑप्शन सेट वन, अभी ऑप्शन जो है वो माइनस डी, लोअर केस टू अपर केस का कर रहे हैं हम, तो उसके लिए कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। तो एम एन कमांड इज यूज टू गेट द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल, तो यहाँ पे नेक्स्ट होगा उसका ऑप्शन, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन, माइनस सी देख के देखते हैं, माइनस सी, टी आर माइनस सी, ओ एस लिखो, सिर्फ ओ एस, एंटर। ठीक है, टी आर का बाद में देखेंगे। और डब्ल्यू सी कमांड देखो, डब्ल्यू सी, और कोई भी एक फाइल दे दो, एस थ्री, एस थ्री कमांड एंटर। तो एस थ्री कमांड में वो ये बता रहा है कि कितने लाइन से, तो डब्ल्यू सी माइनस सी, डब्ल्यू सी माइनस एल अगर दिया तो माइनस एल एस थ्री, तो कितने लाइन से वो डिस्प्ले करता है, एंटर। डब्ल्यू सी स्पेस नहीं देना है, हाँ ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू सी सिर्फ अगर दिया, डब्ल्यू सी एस थ्री अगर दिया, तो फर्स्ट वो जो तीन है वो नंबर ऑफ लाइन से, नाइन है जो नंबर ऑफ वर्ड से, 45 नंबर ऑफ कैरेक्टर से, स्पेस भी काउंट करता है ये, हाँ, और लास्ट में फाइल नेम। और डब्ल्यू सी माइनस एल अगर दिया तो कितने लाइन से, सिर्फ तो थ्री लाइन्स प्रिंट कर रहा है। टी आर कमांड का एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा हमें। टी देखो क्या उसके ऑप्शन है, क्या दे सकते हैं। टी आर के बाद नेक्स्ट लाइन पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया तो ठीक है, रहने दो ये कमांड। नाउ ये कितने नंबर का प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल नंबर, नाउ दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 8, तो प्रैक्टिकल नंबर 8 इज कंप्लीटेड, रिमेनिंग हमारा 9 10 प्रैक्टिकल रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके 9 और 10 नंबर का प्रैक्टिकल कंप्लीट करूंगी। इस वीक में मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिकल सारे कंप्लीट कर दूंगी, और लास्ट वीक में सिर्फ हमारे मतलब जब दिवाली के खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके 6 चैप्टर कंप्लीट करूंगी, और 6 चैप्टर के बाद फिर से हमारा ऑनलाइन टेस्ट रहेगा चैप्टर नंबर 4 5 और 6 के ऊपर। ओके।
तो अटेंडेंस हो चुका है, मैंने ले लिया अटेंडेंस। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, सभी को समझा आपके।